हेलो स्टूडेंट्स, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत पास में है। स्ट्रेस मत लीजिए, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस हमने पूरे पिछले 10 सालों में लेकर जो जो इम्पॉर्टेंट है, जो रिपीटेडली आते हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर अपना एक सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, तो बिफोर डिस्कसिंग लेट मी शो यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूनिट 1। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 1 में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शंस में। देन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक या दो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पूछा जाता है। देन व्हाट इज लाइक मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी यूजर सिस्टम क्या है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या है। देन हम क्या कर सकते हैं कि 2 नंबर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और 10 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एक एक करके हम पहले छोटे छोटे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे क्या क्या आ सकते हैं, किस किस टाइप के आ सकते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 2 नंबर के क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, वो है डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेंशन इट्स मेजर फंक्शंस। अब यही क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में आता है, आपको अलग अलग तरीके से लिखना आता है, लेकिन इन सबका आंसर बिल्कुल सेम है। जैसे 1718 में आया डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिस्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्सप्लेन इन शॉर्ट। तो इनमें से किसी भी लैंग्वेज में आपको एक क्वेश्चन आएगा, तो आपको आंसर कैसे देना, यू हैव टू जस्ट डिफाइन व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो एज यू नो, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स। देन यू हैव टू आंसर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी सिंपल, टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज इन एफिशिएंट मैनर, then to provide user a convenient interface to use the computer system, to provide efficient and fair sharing of resources among different users and program. Now after that, you have to just name the functions of the operating system, and it is the most important thing that you have to explain your answer with a particular diagram. So is case mein jo diagram banega, या तो आप ये दोनों डायग्राम बना सकते हैं या जस्ट लेफ्ट वाला, क्योंकि अभी हमने कहा व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो आप ये डायग्राम बनाएंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा मार्क्स गेन करने में। सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, जॉब अकाउंटिंग, नेटवर्क मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम। क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना आंसर देने पर ही आपको 2 नंबर आराम से मिल सकते हैं। द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफाइन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सर्विसेज मेन क्या हैं, जो आपके फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, उन्हीं से रिलेटेड हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो व्हाट डज ऑपरेटिंग सिस्टम डू फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इट लोड्स अ प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम, एंड द प्रोग्राम मस्ट बी एबल टू एंड इट्स एग्जीक्यूशन इधर नॉर्मली और एबनॉर्मली। देन फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, वी नीड टू रीड अ फाइल और राइट द फाइल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स द परमिशन टू द प्रोग्राम फॉर ऑपरेशन ऑफ फाइल, whether for reading or writing. Then IO operation, the major service for operating system is for IO operation. Program may require any IO device while running, so operating system must provide the required input output device. Then there is important service in communication, data transfer between 2 processes required in some time, so communication may be implemented with 2 methods, shared memory and message passing. Error detection means operating system constantly needs to be aware of possible errors and it should take the appropriate action to ensure correct and consistent computing. So ye jitni bhi services hain, kaun kar raha hai, ye operating system kar raha hai. Now when we have multiple users in our system, then operating system provides these following services.
रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटिंग एंड प्रोडक्शन। रिसोर्स एलोकेशन में क्या करता है, इट मैनेजेस एलोकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज सच एज सीपीयू, मेमोरी, आईओ डिवाइसेस एटसेट्रा टू मल्टीपल प्रोग्राम्स और मल्टीपल यूजर्स। अकाउंटिंग में इसकी मेन सर्विस क्या है, इट कीप्स ट्रैक ऑफ विच यूजर यूजेस हाउ मच एंड व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, लाइक सीपीयू, कौन से यूजर ने किसको कितना सीपीयू यूज करना है, कब करना है, कितना अमाउंट में यूज करना है, मेमोरी किसको कितनी चाहिए और कैसे एलोकेट किया जाएगा, तो वो इंफॉर्मेशन सारी अकाउंटिंग में आ गई। प्रोटेक्शन, व्हेन मल्टीपल प्रोसेस इज एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली देन वन प्रोसेस शुड नॉट इंटरफेयर विद अनदर प्रोसेस, तो ऑपरेटिंग सिस्टम टेक केयर ऑफ दिस प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम। एंड द नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स अबाउट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किसी भी और ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले हमने देखा कि ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम में काफी बार पूछा गया आपसे, ठीक है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको डेफिनेशन लिखना है, व्हाट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दे आर यूज्ड इन एप्लीकेशन वेयर लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स विच आर यूजुअली एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर सिस्टम, दे मस्ट बी प्रोसेस विद इन क्रिटिकली डिफाइंड टाइम कंस्ट्रेंट और इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर रियल टाइम के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो यही है, दीज एप्लीकेशंस आर यूजुअली एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो ये भूलना नहीं है आपको लिखने से। नाउ दीज एप्लीकेशंस या दीज सिस्टम्स आर यूज्ड टू कंट्रोल अ डिवाइस इन अ डेडिकेटेड एप्लीकेशन। डेडिकेटेड मीन्स फॉर एग्जाम्पल मिसाइल सिस्टम्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स, रियल टाइम सिमुलेशंस, रोबोटिक्स। As you know, these all are applications, they are external to the computer system, they are not the part of your computer system. And there are two types of RTOS, yani real-time operating systems, hard real-time, they are meant for only those applications where time constraints are very strict, means even the shortest period, shortest possible delay is not acceptable. For example, automatic parachutes or airbags, traffic control system, radar system, medical critical care system, etc., etc. Then soft real system, they can accept some delay by operating system. For example, online banking system, online reservation system and price quotation system, etc. ठीक है, तो इसके बाद एक question कई बार आया हुआ है आपको system calls के ऊपर, like what do you understand by system call or what is system call? Enumerate any five system calls used in any type of management. Like in this question, we have calls, system calls used in process management. So first of all, you should know what is system call. So system call kya hai hamara? It's a mechanism that provides the interface between a process and the operating system. It offers services of operating system to the user program by application programming interface. So system call actually is the interface between a user program and the services of the operating system, and it is usually implemented through application programming interface APIs, and system calls are the only entry points for the kernel system. When program is in user mode, it requires access to RAM or any hardware resource, then it must ask the kernel to provide access to that resource, and this is done through a system call. So process management ke liye jo most important five system calls hain, what are these system calls? Fork command kya karta hai? It creates a new process. Exec system call, it is used for executing a program. Sleep system call, it is used for delaying the process of a program. Kill means to kill a process. Exit means exit out of a program or a process. Ab is system call ke liye ek alag type se bhi question aa sakta hai aapko. How is system call handled by the system? So previous question mein humne system call kya hai और कौन कौन सी सिस्टम कॉल यूज हो रही है और यहाँ पर हाउ इट इज हैंडल्ड, तो थोड़ा सा आंसर हमारा डिफरेंट आएगा। लाइक सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, दे आर टिपिकली रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज सी और सी प्लस प्लस एंड दे आर मोस्टली एक्सेस बाय हाई लेवल APIs
and typically a number is associated with each system call. And there is a system call interface which maintains a table indexed according to these numbers. तो जितने भी numbers हैं वो एक index बन के आ जाते हैं, और जब भी किसी system call को execute करना होता है तो वो क्या करता है, एक कुछ value return करता है, और उस return value के help से हम देखते हैं कि वो system call execute successfully हुआ है या नहीं हुआ. ठीक है, so system call interface invokes the intended system call in OS kernel and return the status of the system call. एक example बताती हूँ कि हमने एक file read करना है, तो read एक हमारी system call है, तो read या तो true return करेगा या false. अगर हमारी फाइल है ही नहीं तो वो read नहीं कर पाएगा, तो वो error return करेगा. तो return value के हिसाब से हम check करते हैं कि वो system call हमारा successfully execute हुआ है या नहीं हुआ है. And most details of the operating system interface is hidden by the programmer through these APIs. तो ये interface का काम कर रहा है, detail is hidden by the from the programmer or the user, we can say. And the most common APIs are Windows 32 API for Windows and POSIX API for POSIX based system, including virtually all versions of Unix, Linux or Mac OS. And Java API specially for Java version. ठीक है, तो ये system call का भी हो गया. तो अब जैसा मैंने आपको कहा था कि हमारे अलग अलग operating system के बारे में 2 marks के question में पूछा जा सकता है. For example, एक ये कई बार question आता है, ये बहुत important question है, multi-threading, defined multi-threading operating system. So what is multi-threading? It is an operating system which can divide process into multiple threads and execute those threads in parallel. हम करते क्या है, एक ही process को small small threads में divide कर देते हैं, कि हम एक साथ IO operation, CPU operation, memory operation सभी एक साथ नहीं करते हैं जब भी एक process execute करते हैं. तो वो अलग अलग resources को use करता है, तो जब एक resource use हो रहा होता है तब दूसरा resource हमारा usually empty रहता है. तो अगर हमारा process CPU के साथ busy है तो हम इनपुट आउटपुट डिवाइस को किसी दूसरे प्रोसेस के साथ यूज कर सकते हैं, या उसी प्रोसेस के जिस पार्ट में इनपुट आउटपुट यूज हो सकता है हम उसको साथ में एग्जीक्यूट करा सकते हैं पैरेलली. लेकिन मेन चीज क्या है कि दे शुड बी इंडिपेंडेंट, दोस डिफरेंट पार्ट शुड बी इंडिपेंडेंट टू इच अदर. सो व्हाट इज थ्रेड? बेसिकली इट्स एन एग्जीक्यूशन यूनिट दैट कंसिस्ट ऑफ ओन इट्स ओन प्रोग्राम काउंटर, its own stack and its own set of registers. Means every thread has its own program counter, stack and set of registers. कई बार exam में ये पूछा जाता है कि thread के पास अपना क्या है, what owns each and every thread. तो program counter होता है, stack होता है और set of registers होते हैं. Now what are threads are also known as lightweight processes. And these are the popular way to improve performance of an application through parallelism. Obviously, जब multiple threads एक साथ parallelly execute होंगे तो जो program का आपका throughput है वो increase होगा और response time आपका बहुत कम हो जाएगा. Now, since CPU switches rapidly back and forth among threads, it gives the illusion that the threads are running in parallel. And each thread has its own independent resource for process execution. Therefore, multiple processes can be executed in parallel by increasing the number of threads. For example, Unix, Server Edition of Linux and Windows, they are multi-threading operating systems. तो जब भी आंसर करना है, एक डेफिनेशन लिखनी है और उसका एग्जाम्पल देना है आपको. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको थ्योरी ज्यादा नहीं लिखना है तो आप उसका अगर डायग्राम बना के आते हैं तो डायग्राम इज सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ एक्सप्लेनेबल. ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग में हम क्या दिखाएंगे, सिंगल थ्रेडिंग सिस्टम. तो जब जहां सिंगल थ्रेडिंग सिस्टम है तो उसका फाइल्स और डेटा, रजिस्टर एंड स्टैक वो सारा एक ही सिंगल थ्रेड के लिए होगा. लेकिन इफ इट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल थ्रेड्स तो हर थ्रेड का अपना अपना रजिस्टर्स और स्टैक वो तो डिफरेंट होंगे, लेकिन ये तीनों की तीनों थ्रेड्स या मल्टीपल थ्रेड्स दे विल शेयर देयर डेटा एंड फाइल्स एंड दे दीज थ्रेड्स आर द पार्ट ऑफ वन प्रोसेस.
मल्टीपल थ्रेड्स मल्टीपल प्रोसेसेस की नहीं हो सकते, एक प्रोसेस के लिए मल्टीपल थ्रेड्स होंगे। देन इट इज आस्क्ड इन 2015-16 व्हाट डू यू मीन बाय कर्नल। तो कर्नल बेसिकली क्या है, इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैंडल सिस्टम रिसोर्सेज। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड द हार्डवेयर। तो हार्डवेयर को हैंडल करने के लिए आपको कर्नल को इंटरफेस बनाना ही पड़ता है। कर्नल इज अ इंटरफेस फॉर आर हार्डवेयर। नाउ व्हेनेवर ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू मेन मेमोरी, दिस इज द कर्नल विच इज द फर्स्ट कंपोनेंट दैट लोड्स इनटू मेमोरी एंड रेस्ट देयर अंटिल द ऑपरेटिंग सिस्टम इज शट डाउन। इट इज इन चार्ज ऑफ वेरियस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग टास्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट। तो दो नंबर के क्वेश्चंस में मोस्टली इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जस्ट लैंग्वेज आपकी चेंज होती है। जैसे मल्टी थ्रेडिंग पूछा तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो आपको मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम पूछ ले, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो मल्टी टास्किंग पूछे, या वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पूछे। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का इन शॉर्ट आपके पास आंसर होना चाहिए कि उसके मेन मेजर पॉइंट्स क्या है, उसका एक छोटा सा डायग्राम और उसकी फंक्शन। सो थैंक्स स्टूडेंट्स। तो ये हमारे थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फॉर यूनिट वन। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट वन के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे।